में लोक सेवकों के लिए सरकार की ओर से बनाए जा रहे कानून के विरोध में बुधवार कांग्रेस विधि मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को सह देने के लिए यह कानून लागू कर रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग द्वारा पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिला कलेक्टर के माध्यम से गवर्नर साहब को ज्ञापन भेज रहे हैं और हमने मांग की है कलेक्टर साहब से कि ये जो काला विधेयक राजस्थान की सरकार लाई है, जिसके अंदर CRPC और IPC में जो संशोधन किया गया है और जो मीडिया को 2 साल की सजा का जो प्रावधान इसमें रखा गया है, वो बिल्कुल जनविरोधी है और भारत के संविधान की अनुच्छेद 14, 19 और 21 के भावनाओं के विपरीत है। और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, उन फैसलों में जो निर्णय आए, उनके भी भावनाओं के खिलाफ है। और जनता की तरफ एक तरफ तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों को संरक्षण देकर के इसी को बढ़ावा देने की बात है, तो सरकार की जो कथनी और करनी में जो अंतर है उसको लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर जो जनाक्रोश फैला है उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल जो ये अध्यादेश जारी किया है, इसको रद्द किया जाए। जो राजस्थान की सरकार ने जो बिल राजस्थान विधानसभा में रखा है उसको निरस्त किया जाए।